जेडीयू नीतीश कुमार जी, बीजेपी और एलजेपी। मैं सिर्फ चंद सेकंड है रणदीप भाई, एक इन तीनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के लिए क्या कहा है, सिर्फ चंद सेकंड है। पावर के लिए ये किस हद तक मिल जाते हैं। मोदी जी ने कहा था जेडीयू माने जनता का दमन और मित्रों उत्पीड़न, और वहीं नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। एलजेपी ने कहा था पासवान जी ने कि दलित और महादलित विरोधी कोई है तो वो नीतीश कुमार है। मैं सिर्फ चंद सेकंड आपके लूंगा और फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी आपसे बात करेंगे। मैं खास तौर पर हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करता हूं और रणदीप भाई का कि शत्रुघ्न सिन्हा जी और बिहार कांग्रेस के बीच में ब्रिज बनने में इन दोनों ने मुझे बहुत ही सहयोग किया है, इसलिए इन दोनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जनता का दमन और उत्पीड़न, बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। भ से भाजपा, भ से भुजंग, अब पी से पार्टी, पी से प्रसाद। भुजंग प्रसाद, अब भुजंग में ज भी है, भाजपा है भुजंग प्रसाद। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश जी को शर्म नहीं आती है, एक महादलित को, दलित को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के बजाय आने के पहले से ही ये विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग साथ मिले हैं बिहार में, बिहार की जनता हमारे गठबंधन को आशीर्वाद इसलिए देगी क्योंकि बिहार की जनता शातिर है, समझदार है, सूझबूझ वाली है और उनके आशीर्वाद से हमारा गठबंधन राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के देंगे। आप सबको पता है कि वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि नीतीश का तो डीएनए गड़बड़ है, और ये ही नीतीश कुमार जी है जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनके सामने हम लड़ रहे हैं, इससे हमें ताकत मिली शत्रुघ्न सिन्हा जी के आने से।